हेलो भाइयों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का है, बड़ा ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई हमारा ब्रेकअप हो चुका है, वो छोड़कर जा चुकी है, ये छोड़कर जा चुका है, तो वापस आने की उसकी कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही है। हमने एक वीडियो पब्लिश किया था कि किस तरीके से आप अपना खोया हुआ प्यार विद इन द 3 डेज, 3 दिन के अंदर वापस पा सकते हैं। तो आप लोगों ने कई लोगों को वो फायदा किया, बेनिफिट पहुंचाया, लेकिन और कुछ लोग बोले कि भाई ये करके देख चुके हैं बट कुछ हुआ नहीं है, तो आगे क्या कोई और उपाय है। तो कुल मिला के इस दुनिया का कोई भी इंसान हो जिसके दिल में भी आपके लिए नफरत है ना, उसको किस तरीके से आप प्यार में बदल सकते हो, इस बारे में मैं बात करूंगा, एक तरीका बताऊंगा। और ये तरीका इतना ज़्यादा व्यवहारिक है, इसको कोई भी यूज में ला सकता है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये मतलब फाइनल वीडियो है, ठीक है ना। मतलब ये इस टॉपिक पर फाइनल वीडियो है कि किस तरीके से नाराज गर्लफ्रेंड को मनाएं, किस तरीके से उसको मतलब अगर रूठा है तो किस तरीके से मनाएं, ये सब इस टॉपिक पर ये फाइनल वीडियो है। ठीक है, बहुत कमाल का, इसमें एक्सट्रीम तरीका जो होता है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीज है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ये रूठना और नफरत करना, ये दोनों अलग अलग बात होती है, ठीक है। रूठना और नफरत करना, इन दोनों में अंतर यह है कि जो शख्स आपसे रूठा होगा वो आपसे नफरत नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ गए आप। यानी कि अगर कोई आपसे रूठ गया है तो उसको आप मना लोगे, वो मतलब वो आपसे नफरत नहीं करेगा, ठीक है। जो इंसान नफरत आपसे कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि घृणा कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे रूठना वाला शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, नफरत अलग ही होता है, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है, वाहियात किस्म का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, रूठने की शुरुआत जो होती है वो गलती से होती है, ठीक है। इसका बेस जो है वो गलती है, यानी कि अगर हम कोई अगर जैसे आपने कोई गलती कर दी तो आपका पार्टनर आपसे नाराज हो गया, रूठ गया, तो सिंपल सा है कि अगर आप माफी मांग लोगे, ठीक है, तो वो मान जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अगर कोई रूठा है तो वो माफी मांगने से ही मानता है, ठीक है, माफी मांग लोगे तो वो मान जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गलती हुई है और गलती की माफी होती है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि नफरत का क्या है, नफरत जो पनपता है वो अपराध से पनपता है, यानी कि जब आप अपराध करते हो तब किसी के दिल में नफरत पनपती है, ठीक है। और नफरत किस तरीके से मिटाया जाए, उसका सिर्फ एकमात्र इलाज है, वो है सजा, ठीक है। सजा उसकी क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं कि देखो गलती और अपराध क्या होता है। जब तक देखो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जब तक आप समझोगे नहीं ना, आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप किसी के दिल में नफरत है उसको मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड अगर नाराज है, वो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो नाराज है कि क्या है। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, जैसे कि आपने कोई मिस्टेक करी, एक बारी आपने मिस्टेक करी तो वो गलती है, दो बारी करी तो गलती है, एक दो बारी अगर आपने कर दी तो वो गलती है, लेकिन अगर सेम मिस्टेक अगर आपने तीसरी बार भी रिपीट कर दी, समझ गए, तो वो अपराध में आ जाता है, गुनाह में आ जाता है, समझ गए। अगर कोई सेम मिस्टेक दो बार हो तो वो गलती बोला जाता है, लेकिन जब 3 बार हो जाए तो वो गुनाह हो जाता है, और गुनाह की माफी नहीं होती मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गुनाह की केवल सजा होती है। तो अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी लड़के अपने हिसाब से समझ लें, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ये मिस्टेक वाली फीलिंग है या अपराध वाली फीलिंग है। अगर वो आपको माफ कर ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कि वो अपराध उसके दिल में पनप चुका है, ठीक है ना, तो उसके दिल में आपके लिए नफरत भर चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि नफरत की यहाँ पे क्या है, सजा है। आप क्या कर रहे हो, माफी मांग रहे हो उससे, समझ गए। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, यानी कि देखो वो माफ नहीं कर रही है सामने वाली, यानी सामने वाला आपका पार्टनर माफ नहीं कर रहा है, यानी कि उसके दिल में नफरत है, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो, माफी मांग रहे हो। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाओ। नफरत मिटाने के लिए माफी कहाँ से रिलेवेंट हो गई, नफरत मिटाना है तो सजा चाहिए। अब यहाँ पे मैं फाइनल आपको एक चीज दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, आप उससे जो करना है अब वो सुनो, क्या आपको कहना है, आप मतलब बिल्कुल रेडी हो जाओ कि सजा क्या होगा ये मतलब सुनने के लिए, और उससे पूछो, ठीक है। उसको सिंपल ये कहना है कि व्हाट शुड आई डू, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर मैं होता, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होती, उसके दिल में नफरत भर गई होती मेरे लिए, तो मैं उससे बोलता, बहुत मनाते मनाते थक जाता, तो मैं उससे ये बोलता कि अच्छा चलो तुम ही बता दो कि मैं क्या करूं, अगर मैंने अपराध किया है तो बताओ अच्छा कि मैं क्या करूं, बताओ इसका प्रायश्चित कोई तो होगा ना, अगर कोई अपराध है तो उसका कोई प्रायश्चित होगा, बताओ अच्छा मैं क्या करूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने बोल दिया कि मुझसे बात ही मत करना, तो ठीक है मैं उससे बात ही करना बंद कर दूंगा, और फिर क्या करूंगा, केवल शो अप करूंगा, उसको केवल दिखाऊंगा,
उससे बात नहीं करूंगा, वो जहां भी दिखेगी वहां से चला जाऊंगा, हट जाऊंगा और मैं अपना काम करता रहूंगा। केवल अगर नाटक ही सही, मैं नाटक ही करूंगा लेकिन वो जो बोलेगी वो करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि यार क्या बंदा है यार, इसको एक बार ही मैंने बोला सेम वही कर रहा है, ठीक है। तो उसको कभी ना कभी आपकी फीलिंग जरूर आएगी। यहाँ पे क्या है कि आप जिस जैसे ही वो बोल दे कि ये चीज़ आपको करना है, जैसे मान लो कि मैंने उसे बोल दिया कि ठीक है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपराध कर दिया है, गुनाह कर दिया है, तो आप ही बता दो कि इसकी सज़ा क्या है प्लीज। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सब फोन पे नहीं होगा। जैसे मान लो आप फोन पे बोल रहे हो, अब उधर से फोन डिसकनेक्ट कर दिया उसने, तो क्या करोगे क्या करोगे? इसका मतलब है कि आप आमने सामने ही करना, ठीक है। तो जब आमने सामने आप होगे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आमने सामने आप होगे तो उसे उसको रोक सकते हो ना, कहाँ जाएगा, उसकी मजाल क्या है वो आपके बात काट के चला जाए यार। मतलब उसके बोलो ना आगे पीछे, मतलब उसे बोलो कि अगर मेरे से गलती हुई, अपराध हुआ तो दो ना यार पनिशमेंट मेरे को, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है, मेरे को सजा चाहिए, जो सजा जो भी मन में आए मेरे को दे दो सजा, बस मेरे को माफ ना सही, मेरे को सजा दो, पनिशमेंट दो, ठीक है। आप सजा पनिशमेंट मांगो, जब ऐसा करोगे तो एक बात मेरी हमेशा गांठ मार लेना, लोग दूसरे पे जजमेंट देने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत आगे आते हैं, ये स्वाभाविक लक्षण है हर एक इंसान का। तो वो जजमेंट देने के लिए तुरंत फौरन आगे आएगा, बोलेगा ठीक है तुम्हारी सजा ये है वो है ये है वो, मतलब करके कुछ भी सजा वो आपको देगा जरूर, ठीक है। बिना सजा लिए अब वहां से जाना ही नहीं। अब वो जो भी सजा दे, अब उसको दिखावा के लिए उसी के सामने करो, बाकी आप अंदर से कुछ भी करो, मौज मस्ती करो, गुलछर्रे उड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको दिखाने के लिए वही करो। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि जब वो आप जैसे मान लो उसने बोल दिया कि ठीक है मेरे से इतने दिन तक दिखना मत, ठीक है, सामने अब उतने दिन तक दिखना ही मत आप, तो यार उसको लगेगा यार क्या बंदा है यार, एक बार मैंने बोला कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आप उसको जीलस फील करा के उसके औकात दिखा दोगे क्या? जैसे मान लो कि जैसे आप प्यार करते थे, वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगी, तो आपने क्या किया उसको जलाने के लिए आपने भी कोई लड़की ला दी, तो इसका आपको क्या लगता है कि आप मतलब उसको बहुत इतना जीलस फील करा दोगे कि उसको आपकी कमी का एहसास हो जाएगा, घंटा होगा, क्योंकि उसके साथ तो ऑलरेडी कोई ना कोई है ना। यहाँ पे क्या है कि ये बेटर तरीका है उसको गिल्टी फील कराने का भी, ठीक है। वो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत बुरी तरीके से आपकी अहमियत को वो महसूस करेगी, ठीक है। ये पैटर्न आपको आजमाना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। और लास्ट तरीका है किसी को मनाने का, समझ के, किसी के दिल से नफरत मिटाने का ये लास्ट तरीका है, समझ गए, इससे बेहतर कोई नहीं है। आपको सिंपल उसे पनिशमेंट लेना है और उसी के आधार पे अपना काम करना है, भले ही केवल शो अप करो, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। कितना बेहतर तरीके से आप कर पाते हो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, बिना सजा लिए उसका पिंड मत छोड़ना, ठीक है, बिना उससे पनिशमेंट लिए पिंड मत छोड़ना, बस ये सिंपल सा है। और ये बहुत एक्सपेरिमेंटल है, मैं बार बार मतलब बार बार नहीं, मेरे को ये बहुत कम ही यूज करना पड़ता है, लेकिन जब भी किया है मैंने इसका बेनिफिट मेरे को मिला है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये सारी प्रॉब्लम फिनिश आज हो गई। गुड बाय एंड टेक केयर, बहुत जल्द मिलते हैं एक उम्दा वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, जहाँ वहीं पे जवाब देना अगर पॉसिबल होता है तो वहीं दे देता हूँ या वीडियो में फिर देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट वगैरह पढ़िए और अपने भाई के इस वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक।